चलते हैं। मम्मा मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ, कटिंग करवाने। यहाँ आँख में देखो यार, लग गई लीजा, दिखाओ आँख, दिखाओ अपनी आँख, दिखाओ ये वाली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। यार कल व्लॉग के ना मैंने बताया था बाल वाल कटवाने थे, तो मैं इस वाली वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले चलते हैं बाल कटवाने के लिए। बहरहाल कमरा तो फैला हुआ है, तो इसलिए मैं चाह नहीं रहा कि कमरा आप लोगों को दिखाऊँ फैला हुआ पूरा कमरा। बस ये कि बेड देख लो, इधर सामान वगैरह पड़ा हुआ, इसी से अंदाज़ा लगा लो थोड़ा फैला हुआ है कमरा। बाकी ये कि अभी बाल कटवाने के लिए चलते हैं, और बाल कटवा के थोड़े छोटे करवाएंगे, ये भी सारे बड़े हो रहे हैं, बड़े हो गए हैं थोड़े कर्व से हो जाते हैं, अजीब से लगते हैं, तो इनको भी कटवाते हैं, चलते हैं। मम्मा मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ, कटिंग करवाने। 5 minutes later A few inches later बाल कटवा दिए मैंने ना, अभी नजर नहीं आ रहा कि मैं पूरा नहा रहा हूँ, कैपिंग वगैरह करवाई है, बालों के अंदर बाल टूट रहे हैं ना देखो बहुत ज़्यादा। अभी नहाता हूँ तो ये थोड़े सेट होंगे, नहाने सेट होंगे ना ये, तो अगर मैंने नहाएगा तो सेट होंगे। पैसे जुटे हैं 10 रुपये निकले, ये बंद है ना भाई, अपने बालों में गैपिंग करवाई, जिसकी वजह से देखो ये नजर आ रहे हैं बाल, जो गैपिंग होती है ना लड़कों को पता होगा, तो बाल जब ज्यादा हैवी वेट हो जाता है बाल बनाने में, मांग वगैरह बनाने में, तो बीच में गैपिंग होती है, थोड़ा गैप करवाते हैं, तो वो भी मैंने करवा ली थी हाथ के हाथ, भी बहुत ज़्यादा वेट हो गया था बालों के अंदर, और एसी चल रहा है तो मैंने कहा थोड़ी देर एसी में खड़ा हो जाऊँ और अपना ब्लॉग कंट्रोल करें, यार एक तो अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर लूँ। तो भाई नहा लिया आपका भाई, अब जो है बाल वाल जो ड्राई कर लेते हैं। यार बाल वाली बना ली मैंने, सूख गए बाल वाल, सेट कर लिए, अब थोड़ा ना नॉर्मल लग रहा है, पहले बहुत अजीब सा लग रहा था, हैवी सा ना, गंदा गंदा लग रहा है, लेकिन अब थोड़ा नीट एंड क्लीन लग रहा है फेस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर भाई लेटा हूँ मैम, अभी पता नहीं क्या है यार, गैस हम लोगों की ना बहुत ज़्यादा तंग करती है, गैस आ ही नहीं रही है, बाइक का पता नहीं क्या मसला हुआ यार, उसको मैकेनिक को दिखा के सही करवाते हैं, बड़ा मसला है। अभी सिलेंडर लेने के लिए जाना है भाई, ये वो सिलेंडर है जो करवा के हमने लेकर आना है। और लीजा कैसी हैं आप, लीजा कैसी हो, उसकी आँख में देखो यार लग गई, लीजा दिखाओ आँख, दिखाओ अपनी आँख, दिखाओ ये वाली, तो इसी स्पाइलिंग हुई भी ना रेड रेड सुई भी इसकी आँख में लग गई, पता नहीं क्या किससे लड़ाई हुई थी इसकी, और जवाइयाँ ले रही है। अभी हम लोग तो चलते हैं सिलेंडर भरवाने के लिए, लीजा को जवाइयाँ लेने दो, उठा लेते उसको यार, भारी है इतना ही, भारी भारी है लेकिन इतना ही भारी नहीं है। A few inches later यार पहले से ये भी भाई का जो है चल रहा है, इनका ज़रा पहले हो जाए तो उसके बाद फिर अपना भरवाते हैं सिलेंडर। अभी तो बारिश का मौसम हो रहा है लेकिन काफ़ी हद तक कम हो गए हैं बादल, नहीं तो मैंने बोला था आज दोबारा बारिश होगी, उनका हो जाए तो फिर अपना बर्बाद है, उसके बाद फिर बर्गर लेना है और रोटी लेनी है, वो भी लेके फिर घर की तरफ निकल। तो भाई अपना नंबर आ गया, ये भाई है माशाल्लाह बहुत प्यारे से हैं, काफ़ी हसीन है ये भी, तो अभी करवाते हैं। 240 रुपये की हो गई है लीटर, किलो जो जो किलो का हिसाब होता है ना कोई, अभी यहाँ काफ़ी सारे ना बाहर सेंडर रख दिए, पहले उन्होंने सारे अंदर रखे हुए थे, ये बारिश ना हो जाए इसलिए रखे थे ना आपने अंदर, अभी मैं बाहर निकाल के रख दिया, 1 किलो कर दूँ अभी ये भर जाए, उसके बाद फिर रियाज भाई के पास चलते हैं बर्गर लेने के लिए, भूख लग रही है थोड़ा, बर्गर वगैरह भी खा लेंगे। हम उनको रियाज भाई क्या लें, ठीक है बना दें फिर 2 70 वाले बना दें यार, ये रियाज भाई ना बर्गर बना दें बड़े मज़ेदार, ये हमारे इलाके में ना, तो अभी भूख लग रही थी तो मैंने बोला यार चलें अयाज भाई के बर्गर खा दें। A few inches later. अरे ये क्या हो गया
हम इसी को जोड़ के खाएंगे सबसे पहले। जोड़ लिया वाकई में भाई है मज़ेदार जो बात है। अयाज भाई आप वीडियो देख रहे हो इसलिए नहीं कह रहा, पर वाकई में है मज़ेदार बर्गर तो इसकी तारीफ कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आप वीडियो देख रहे हो। वीडियो को मैं ना कंटिन्यू करने से पहले यार मैं बताऊँ, जो हमारा जो लास्ट व्लॉग जो था पिकनिक का जो था हम जब घूम के आए थे, इसको भी मैं इस वाले व्लॉग के अंदर जो है ज्वाइन कर दूंगा, तो आप लोग उसको भी देख लेना कि हाँ मैंने कोशिश तो करी थी। उसके अंदर आप नोट करोगे कि आवाज़ थोड़ी सी कम आएगी, उसके अंदर थोड़ा सा जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, लेकिन इंशाल्लाह तो इस प्रॉब्लम का मुझे सॉल्यूशन मिल गया तो मैं 100% ट्राई करूँगा कि ये मसला अब दोबारा ना हो। व्लॉग में ऊपर आया था इंट्रो करने के लिए, तो सामने जो है मुझे एक दिखे फ्रेंड उधर से आधे ला दें, तो कपड़े वगैरह सुखा रहे थे, अभी धूप इतनी तेज़ चल रही है और ना हवा भी बहुत तेज़ हो रही है, तो मैंने कहा यार चलो अभी नाश्ता वगैरह लेने के लिए चलते हैं और अल्लाह भला करे नाश्ता वगैरह लेकर आते हैं। भूख लग रही है, रंग का आप लोग हाल देख सकते हो क्या ही हो गया है, बेड़ा गर्क हो गया मुँह का, तो बस ये जल्दी जल्दी ठीक होगा इंशाल्लाह, जल्दी से क्रीम व्रीम लगाएंगे और ना ब्यूटीनेस लेकर आएंगे। बाकी अभी चलते हैं हलवा पूरी खानी है, और क्या क्या मंगाया था, हलवा पूरी रोटी और मेहंदी मंगवाई थी, तो ये लेने के लिए चलते हैं, और थोड़ा सा और भी सामान है। बाकी ये है कि ब्लॉग का जो है ना मैंने शो अपलोड कर दिया है कल वाला, तो आप लोग जाके देख लो, और बाकी ये वीडियो को पूरा देखा करो और कल वाली वीडियो कैसी लगी ये भी लाजमी बताना। बाकी ये कि अभी चलते हैं नाश्ता लेने के लिए, उसके बाद आगे फिर ये जो चेहरे के ऊपर अल्लाह माफ़ करे कहना ही चाहिए वैसे, तो ये जो बंदर के अंदर मिल रही है शक्ल, तो इसको भी सुधार दे थोड़ा, ये सारी ना मेरी करीब से दिखाऊँ तो स्किन सारी फट रही है, ये एलर्जी मैंने बताया था ना कल वाले व्लॉग में कि यार एलर्जी हो गई है मुझे, तो अभी जो ना चलते हैं नाश्ते लेने के लिए। पूरियाँ लग रही हैं, पूरियाँ लेते हैं और फिर आगे हमने मेहंदी लेने में जाना है, वो थोड़ी सी आगे गरम गरम पूरियाँ लग रही हैं। जाओ जाओ लेकर आओ, मैं तो नहीं जा रहा, हमें कुछ नहीं होता, जाओ बोलो भाई मेहंदी लेनी है, इनको शर्म आ रही है, इनको शर्म आ रही है, बोल रहे हैं कि ना मेहंदी लेने में शर्म आ रही है, जाओ के आओ। रोटियां खैर लग रही है, गर्म गर्म रोटियां लगे, रोटी देखो सामने गए बिरयानी लेने के लिए, लेकर आते हैं तो निकलते हैं, इतने रोटी भी ले ली है। Thousand years late. बाकी यार इस वाली वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप कि इन्जॉय करो आपने इस ब्लॉग के ना, ये था मेरा छोटा सा दिन जो मैंने आज गुजारा। कल मैंने सर्टिफिकेट लेने जाना है, कुछ भी करके मैंने सर्टिफिकेट लेकर आना है अपना जाके, और गर्मी हो रही है नीचे ना, गर्मी तो है लेकिन सुकून होता है अंधेरे में, बंदा बैठ के आराम से अपनी एडिटिंग कर लेता है, कोई शोर शराबा नहीं, बस एक ये है मनुष्य जो जुगनू होता है ना वो बोल रहा होता है, अभी बस ये थोड़ा सा मसला है नीचे, लेकिन लाइट गई हुई है, लाइट तो देखो यार एक बजे आएगी लाइट, और ये कौन है, अरे लीज़ा डर गया मैं ना, मैं डर गया, मैंने बोला पता नहीं क्या चीज़ आ गई। बाकी ये कि इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल, ओके फिर।